हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन भी सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मैं इस मौसम से ना सच्ची में बहुत इरिटेट हो गई हूं। इस टाइम तो धूप आपको नजर आ रही है, लेकिन सुबह से बादल 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 और ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, लग ही नहीं रहा है कि अप्रैल मंथ है और वो भी उसकी एंडिंग आ गई है। मतलब मैं क्या बोलूं, पता नहीं इस बार मेरा बारिश में क्या हाल होने वाला है। अभी थोड़ा सा मौसम खुला है तो आसपास बहुत सारे काम फटाफट फटाफट हो रहे हैं। वेल्डिंग की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, सामने कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। उनका तो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया, उन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस टाइम पे वो लोग काम करवाएंगे और ऐसे बारिश होगी झमाझम। इतनी बादल बिजली चमक चमक के झमाझम बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बोलूं। और मुझे नहीं मालूम कि जुलाई में क्या होने वाला है, अगस्त में क्या होने वाला है, जो इस तरह बारिश हो रही है। और न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी 1 वीक पूरा ऐसे ही मौसम रहने वाला है, 1 वीक। और पता है, बहुत सारे लोग जो गल्ला वगैरह स्टोर करते हैं, जो अपने भंडार घर में अनाज इकट्ठा करते हैं, इसी मौसम में वो अनाज में धूप दिखा दिखा के रखते हैं। और वही हाल हमारे यहाँ भी है, गेहूँ दाल ये सभी कुछ आके रखा गया है, लेकिन धूप दिखाने का टाइम ही नहीं है। क्योंकि नया माल होता है तो हमें इसे धूप दिखाना ज़रूरी होता है। फिर हम नीम की पत्तियों को भी सुखाकर नीचे डालते हैं, या जो भी घुन वगैरह से बचाने के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह आती है वो सारा सब कुछ अरेंज करके हमें डालना होता है। बट ये बारिश और बादल पानी हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। सुबह के टाइम ही इतनी बादल 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 होते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती कि आज अनाज को बाहर डाला जाए। पता चला हम सुखाने के लिए रखें, उसमें धूप दिखाने के लिए, और शीत और लग गई तो और हमारा अनाज खराब हो जाएगा। और निश्चित रूप से होता है, ये बेमौसम जो बारिश हो रही है ना, ये किसी को हजम नहीं हो रही है, किसी को भी नहीं। एक तो 10 तरह की बीमारियां पता चल रही हैं, किसी को आई फ्लू हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। मतलब इतनी तरह की चीजें पता चल रही है ना कि मैं अंदर से डर रही हूँ कि यार अभी ये हाल है, आगे क्या होगा, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सारे लोग इसी में जी रहे हैं तो मुझे भी जीना होगा। मैं कोई अलग से स्पेशल तो हूँ नहीं, लेकिन कल का दिन मेरा इतना अजीब सा बीता है, डरावना डरावना, कि मैं क्या बताऊँ। बल्कि बारिश देख के तो मैंने घर से किसी को बाहर जाने ही नहीं दिया। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, क्योंकि जब बिजली कड़कती है ना और जोर से गिरने की आवाज आती है, मुझे बहुत डर लगता है। और उसी में लाइट चली जाएगी, नेट कट हो जाएगा, तो आप वैसे भी अकेले हो जाते हैं। तो फिर मेरा रहता है सारे लोग एक ही जगह पे आ जाओ, वही हमारी रसोई में ही, वहाँ मम्मी जी का बिस्तर होता है, जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे मम्मी जी का बिस्तर लगा होता है डाइनिंग एरिया में, और वहीं हम लोग सारे लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं गर्मा गर्म में सेक सेक के खाना बना, रोटियां देती रहती हूँ, सारे लोग वहीं खाओ, अंताक्षरी खेलो, लूडो खेलो, जो खेलना है वो खेलो, लेकिन एक साथ रहो। अलग अलग भी नहीं जाने देती हूँ कि आप अपने कमरे में, आप अपने कमरे में। मुझे पता नहीं क्यों संभव बहुत डर लगता है, तो ऐसी तो डरपुक्कू हूँ मैं। तो कल का दिन मेरा बहुत बकवास बीता है। आज जब थोड़ा सा मौसम लगा, मैंने फटाफट सारे कपड़े वपड़े धो लिए, लॉन धो लिए, और चूंकि हमारे प्लांट्स को रोशनी बहुत ज़रूरी है, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको नमी, धूप, थोड़ी सी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जब तेज़ धूप होती है तो ये तो आपके रूम में भी जाती है खिड़कियों के जरिए, बट जब नहीं होती है तो फिर मैं ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन सबको धूप में रख देती हूँ, ताकि इनको धूप लग जाए, उससे इनके कीड़े वीड़े भी मर जाते हैं और बाकी जो होता होगा होता होगा। तो बस मैं आधा आधा 1-1 घंटे के लिए सारा सब कुछ रख देती हूँ। और लॉन को साफ करने में तो मुझे नानी जी याद आ रही हैं, क्योंकि ना इतनी डस्ट, इतनी गंदगी कि मत पूछो। पूरा पानी डाल के वाइपर करने का कोई मतलब नहीं है, पूरा पोछा लगाना पड़ता है। मतलब मेरा काम ना दुगना चौगना हो गया, जिन कामों से मैं दूर भागती हूँ वो काम मुझे करने पड़ रहे हैं अभी। तो अब आप समझ सकते हैं कैसा दिन बीत रहा है। और उत्कर्ष की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, अब स्कूल बंद है, 15-20 दिनों की छुट्टी है उत्कर्ष की, और इनके समर कैंप चालू हैं। बट मैंने समर कैंप में अलाउ नहीं किया है, रीज़न, इनके तुरंत एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और पोर्शन बहुत सारा मैडम ने दिया है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं शायद रेगुलर ब्लॉग भी नहीं बनाऊंगी, मुझे इसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नए नए सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, सोशल साइंस, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स हैं जिससे ये उतना अवेयर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम पक्का करवा दूँ इसका, तो कोशिश में हूँ। इसका अब एक टाइम टेबल बनाना है घर का, जिसमें कम से कम 4 से 6 घंटा सुबह के टाइम में, या 4 घंटे सुबह के टाइम में और 2 घंटे शाम के टाइम में मुझे इसका कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है, इसको खेलने को भी चाहिए। एक तो समर कैंप में नहीं भेजा, वैसे इसका मूड खराब है। फिर मैंने समझाया कि बेटा सुबह थक के आओगे तो आप क्या घर में पढ़ाई करोगे, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओगे, 12-1 बजे लौट के आओगे, वैसे ही आप थक जाओगे। बेहतर है कि आप पढ़ाई कर लो, समर कैंप और बाकी की एक्टिविटी आप बाद में ही करना। और इस समय मौसम इतना अपोजिट चल रहा है कि आप समर को तो समर मान ही नहीं सकते, बारिश हो रही है काहे का समर। तो बहुत सारी चीज़ें समझा तो दी हैं इसको, बाकी हम लोग गेम्स वगैरह भी खेलेंगे घर में। इसके चाचू ने भी बोला है कि वो खेलेंगे, मैंने भी बोला है कि मैं खेलूंगी, बट पढ़ाई पहले है। और इस बार के एग्जाम्स इतनी जल्दी आ गए, पता ही नहीं चला, या तो हो सकता है मुझे समय का पता नहीं चला। तो बच्चों के एग्जाम से बढ़ के तो और कुछ हो नहीं सकता। और आपके घर में अगर कोई आपके पेरेंट्स बीमार हो, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेवा करना कितना मुश्किल होता है, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी में हर एक व्यवस्था बनाना, मतलब ये अपने आप में एक चैलेंज होता है हर किसी के लिए, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई लोग तो हार ही मान जाते हैं, लेकिन हम लोगों का है कि नहीं करना है तो करना है।
उसके साथ कुछ चीज़ें इसकी अवॉइड हो रही हैं वो भी मैं नोटिस कर रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिस एज से गुजर रहे होते हैं, नए नए माहौल में जा रहे होते हैं, इनका अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता है, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, वो सुन के मैं अजीब सा मैं फील करती हूँ कि इतने छोटे बच्चे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतने छोटे बच्चे मतलब अभी इनको इन सब चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं है, बट आपस में कन्वर्सेशन इनका ऐसा होता है, मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ उत्कर्ष की बातें सुन के कि इसके दोस्त लोग ये बोल रहे थे। ये घर आके पूछता है जब मुझसे, तो मेरे तो चांद सितारे इधर से निकल आते हैं कि बाप रे तुम लोग आपस में ये बातें करते हो। और फिर पता चलता है कि मैडम से डरते हैं, मैडम कभी किसी बच्चे को मार भी देती है। अब इस तरह की बातें करेंगे तो मैडम क्या करेंगी? कितना कठिन है बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग घर के बच्चों को, और उसमें भी पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने की, आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, आपका बच्चा क्या बातें कर रहा है, किस एज का है, 9 साल 10 साल ये कोई एज है, 8 9 10 ऐसी एज ग्रुप है इनके क्लास में। और इनके कन्वर्सेशन सुन के ही मैं बड़ी टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, डालूँ कि निकालूँ उस स्कूल से। लेकिन इसमें स्कूल की तो कोई गलती नहीं है, आजकल का माहौल ऐसा है, आजकल बच्चे टीवी से हर एक चीज़ सीख रहे हैं, ये जो मीडिया है जिसमें तरह तरह की चीज़ें देते हैं, बच्चे तो क्यूरियस होते हैं। अगर इनको हम कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे, अगर मैं इसको साइंस पढ़ाने लग जाऊं और मैं इसे कुछ चीज़ें, तो ये उसी में खो जाता है और तरह तरह के सवाल पूछता है कि अच्छा मम्मा ऐसा कैसे ऐसा कैसे। लेकिन मैं उसके लिए उतना अवेयर हूँ तब तो, मैं समय दूँ तब तो, बच्चे को तो जो चीज़ मैं बताऊँगी ये उसके लिए क्यूरियस होंगे, उनका माइंड ऐसा डेवलप होता है इस टाइम पे कि अगर हमें उसे अच्छी दिशा में लेके जाना है तो हमें लगना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही हैं जब इसका माहौल देख रही हूँ, इसके सवाल सुन रही हूँ कि इसने ये सवाल मुझसे पूछ दिया कि इसका मैं क्या जवाब दूँ, कैसे मैं बच्चे को क्या एक्सप्लेन करूँ, कैसे मैं इसको सही दिशा में ले जाऊँ। हर दिन हर पल एक चैलेंज होता है मेरे लिए, मेरे लिए क्या हर माँ बाप के लिए ये चैलेंज है दोस्तों, कि बच्चे आजकल इतने सवाल पूछते हैं, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो वो आजकल गूगल पे उसको सर्च करते हैं, गूगल में उनको उसका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। जब तक हम उसका आंसर नहीं दे देंगे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर देंगे, बच्चे तब तक शांत नहीं होते हैं। तो इनको क्या किन वर्ड्स में हम सही से सही चीज़ समझा पाएँ, सिखा पाएँ, ये हमको खुद अभी पढ़ना पड़ता है। और मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कभी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से इस तरह की कोई बात की भी होगी या पूछा भी होगा। हम तो अजीब वेले टाइप के थे, पढ़ाई से पढ़ाई कर ली बस, छुट्टी तो छुट्टी, कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं होते थे, कोई ज़्यादा एग्जाम्स नहीं होते थे, टेस्ट हो गया, पासिंग मार्क्स ले आए, हो गया काम खत्म, इतना प्रेशर ही नहीं लेते थे। लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, हर एक्टिविटी का प्रेशर, और पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं मालूम था कि इसका कुछ एक और क्विज़ वगैरह चालू होने वाले हैं जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं इन्फॉर्म किया गया है, बट इसके पापा बोल रहे थे कि क्विज़ चालू होने वाले हैं और उसमें इसका नाम डाला गया है। तो ये अलग मुझे एक टेंशन है कि क्विज़ है, बच्चे को क्या क्या प्रिपेयर कराना है क्या नहीं, मत पूछो। मुझे तो ऐसा लगता है हर दिन मेरा एग्जाम चल रहा है, हर पल मेरा एग्जाम चल रहा है। ये नहीं बेटा, इस कटंगा में मैंने रूबी हाउस का मैं कैप्टन था और जिताया भी मैंने था, वो अलग बात है। लेकिन अरे बाबा बेटा, सभी बच्चों को एक्टिविटी अलग अलग एक्टिविटी में डाला जाता है। देखो बादल हो गए, और इस बार पापा ने कहा है कि इस बार हाउस वाइज नहीं होगा, क्लास वाइज होगा। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए भी न्यू चैलेंज है, मम्मा के लिए भी न्यू चैलेंज है, बस हम दोनों के लिए चैलेंज है। और मेरे हम दोनों के लिए नहीं बेटा, हर मम्मी पापा मतलब हर किसी के लिए ये होता है। अभी आपको नई नई बहुत सारी चीज़ें सीखना है, बहुत सारी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें भी सीखोगे जो अभी तक तुम्हारी मम्मा ने नहीं सीखी है। मम्मा बेटू साथ साथ सीखेंगे। किस खुशी में? आई एम शॉक्ड। ये कैसा शौक है? क्योंकि आपने बोला ना कि मैं आप मेरे साथ पढ़ोगी। देखो आपका जो स्किल है, अब जो क्लास का लेवल बना दिया गया है बच्चों का, वो हम लोगों को इतना प्रेशर नहीं था। हम लोग एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई, थोड़ा मैथ्स आ गई, थोड़ी इंग्लिश आ गई। ये मैंने 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ी है, पता है तुम्हें? मालूम है मेरे स्कूल में 5th तक इंग्लिश नहीं थी, 6th से थी, मेरा हिंदी मीडियम था। काश हम लोगों का भी होता। बेटा समय के साथ चलना पड़ता है। अब मम्मा अपना कंटिन्यू करे कि तुम्हारा शौक ही दूर करती रहे? शौक दोस्तों उत्कर्ष को ना शौक लग गया कि इसकी मम्मा को कुछ आता नहीं है, हो तो इनको मैं शौक से जरा बाहर निकालती हूँ, इनका ही अब टेस्ट ले लेती हूँ। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आज फिर कुछ नया नया नहीं है मेरे ब्लॉग में, बस वही घर की दिनचर्या और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी, हो गया खत्म कहानी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत ब्लॉग को कंटिन्यू करूं जैसे मैं पहले करती थी। अभी इधर भी इतना सब मिक्सम मिक्स हो गया ना, थोड़ा मौसम गड़बड़, घर का माहौल गड़बड़, बच्चे की छुट्टियाँ चालू,
तो सब गड़बड़ उथल पुथल हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे थोड़ी व्यवस्थाएं बन जाए हमारी, हम फिर पहले की तरह मिलेंगे एक दूसरे से। लेकिन आज के लिए तो विदा ले लेती हूँ, अपने व्लॉग को यहीं पे कर लेती हूँ एंड। और आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाना है अपन को गाओ। गाओ गाओ गुरु। मम्मा गाएगी तो ही तुम गाओगे। नहीं आप खुद गाओ, पे आप गाओगे आपसे बिगड़ेगा तो मम्मा संभाल लेगी। चलो ले, इनको यही नहीं मालूम कहाँ से शुरू करना था। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या